अगर हम ठीक से सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे कान अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऊंचा सुनने की हो जाती है और इसे लोग हल्के में लेते हैं। लेकिन शोध बताते हैं कि अडल्ट्स को अपने सुनने की क्षमता में होने वाले बदलाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुनने की समस्याएं बड़ी उम्र में डिमेंशिया विकसित होने से जुड़ी हो सकती हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के 80,000 से ज्यादा अडल्ट्स पर साल 2021 में किए गए एक स्टडी में पाया गया कि शोरगुल वाले वातावरण में भाषण सुनने में परेशानी वाले लोगों में डिमेंशिया का जोखिम ज्यादा था, जो कि मेमोरी लॉस की तरफ भी इशारा करता है, और सुनने में परेशानी होना ये भी महसूस किया जाता है। स्टडी ने इस बात के सबूत जोड़े कि सुनने की समस्याएं न केवल डिमेंशिया का लक्षण हो सकती हैं, बल्कि वास्तव में डिमेंशिया का एक जोखिम कारक हो सकती हैं, यानी एक बड़ा कारण है जो किसी भी गिरावट के शुरू होने से पहले लोगों, उनके परिवारों या डॉक्टरों को इसके शुरू होने के बारे में आगाह कर सकती है। जुलाई साल 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महामारी विज्ञान और अध्ययन लेखक थॉमस लिटिजॉन्स ने कहा, सुनने की हानि और इससे डिमेंशिया का जोखिम बढ़ सकता है। इस बारे में ये रिजल्ट बताते हैं कि शोर में कोई भी स्पीच सुनने की हानि डिमेंशिया की रोकथाम के लिए एक आशाजनक टारगेट हो सकती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं डिमेंशिया के मेन रीजंस क्या हैं। 2017 में धूम्रपान और शारीरिक इनएक्टिवनेस के साथ सुनने की क्षमता में हानि होने को डिमेंशिया के 9 मेन रीजंस को लिस्ट किया गया था। लैंसेट की उस हिस्टोरिकल रिपोर्ट को 2020 में जल्दी अपडेट कर दिया गया था, जिसमें 3 और जोखिम शामिल किए गए हैं, जिससे कुल जोखिम अब 12 हो गए हैं। 2024 में लैंसेट रिपोर्ट के तीसरे अपडेट में 2 और जोड़ दिए गए हैं, जिससे कुल जोखिम 14 हो गए हैं, जो कि ये सभी रीजन हमारी लाइफस्टाइल और आम हेल्थ के लिए ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये हमारे पूरी हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है और हेल्थ से जुड़ी जितनी भी कंडीशंस हैं ना सुनने की, उसको कम किया जा सकता है। अगर आप भी सुनने में कोई परेशानी महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।